जय श्री राम। गाइस क्यों एक्साइटेड है हम इतने? अभी बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। गाइस स्टे ट्यून्ड। नहीं, इतनी जल्दी स्टे ट्यून्ड क्या होता है? गाइस हम जा रहे हैं फाइनली अपनी गाड़ी देखने। आज का दिन है गाड़ी देखने का। कितने सालों का सपना है जो आज हम फाइनली गाड़ी के शोरूम तक तो पहुंचेंगे, है ना सिपुआ? तो इसलिए हम सुपर एक्साइटेड है। और मैंने सोचा है कि मैं भैया से पूछ पूछ के आपको पूरी जर्नी वगैरह भी बता दूंगी, इन केस हम कुछ भी कर रहे होंगे वो सारी डिटेल्स भी आपको शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग भी अगर ऐसा कुछ प्लान करें तो आप लोगों को पता चल जाए। वैसे ये वीडियो बहुत 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 टाइम के बाद आने वाली है, जब ये गाड़ी घर पे आ जाएगी तब, उससे पहले कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस। देखना कैसे कार मैडम की जेब में है। कैसा लग रहा है फिर आप लोगों को? हाँ गाइस, एक बार फिर हम दोनों भाई बहन के साथ मम्मी पापा आ गए हैं। अभी दिखाती हूँ आपको, बहुत कम टाइम बचा है जब हम वापस से ऐसे आया करेंगे। अब हम सब लोग साथ जाया करेंगे, ऐसे हम होप्स और एक्साइटमेंट के साथ आए हैं। और ऐसे गर्मी में भी नहीं आना पड़ेगा, हम एसी में भी आ पाएंगे। तो या गाइस, अभी मम्मी पापा से मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को, वो अंदर जाके बैठे हुए हैं। बताना तो रही गया, इट्स डे टू गाइस, डे स्विच हो चुका है, हम दोबारा से आए हैं टू सी इफ वी कैन बुक इट टुडे। रेडी फॉर टेस्ट ड्राइव पापा। गाइस हम ना भाभी के बिना सेलिब्रेट करने आ गए हैं। उन्हें नहीं बताएंगे पर वीडियो में आएगा, बाद में पता चलेगा उन्हें। इसे कहते हैं शैतान ननद। गाइस आफ्टर 2000 इयर्स लेटर मैं और भैया जा रहे हैं, फाइनली मैं और मेरे भैया वापस से आ गए। उसकी आंख में कीड़ा चला गया है तो उसको इग्नोर करो गाइस। मैं और मेरे भैया वापस से आ गए हैं और मम्मी पापा भी हैं, पीछे से आ रहे हैं वो लोग। अभी हमें अलग अलग करके ही आना पड़ता है, अब हम साथ आया करेंगे। यस गाइस, तो फाइनली हम आ गए हैं अपनी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने के लिए। तो अब हम लोग आ गए हैं, बाकी सारा चेक वगैरह करेंगे जो भी करना चाहिए। बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, हर दिन बहुत टाइम लग गया। मतलब हम लोग बार बार ऐसा सोच रहे थे कि इस वीकेंड ले लेंगे, पर कुछ ना कुछ से रोक दे रहा था। बट फाइनली अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम आज कल कभी भी जब भी हमारे को समय मिलेगा हम ले सकते हैं। बट हम अगेन वीकेंड का वेट करेंगे क्योंकि कॉरपोरेट मजदूर है गाइस, और हमारे परिवार में हर इंसान कॉरपोरेट मजदूर है, उन्हें अपना ऑफिस टाइम पर करना होगा, तो इसीलिए। बट हाउ इज द जोश? बेचारे की आंखों में कुछ कुछ चला गया इसलिए वो कुछ नहीं बोलना चाहता है, पर वो बहुत खुश है। वो अभी भी अपनी गाड़ी को देख रहा है कि वो कैसे दिखेगी, क्या कैसा रहेगा। ही इज सुपर एक्साइटेड, उसका तो एक ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। अपनी पसंद तो सब कुछ लिया है, पर ठीक है कोई बात नहीं गाइस, गाड़ी तो मेरी है, ये गाड़ी तो मेरी रहेगी भैया, उसमें मेरे ही सब कुछ लगेगा भैया। हर जगह इसको अपनी गाड़ी वो रही अपनी गाड़ी, जब तक मम्मी नहीं आई तब तक मैं, अरे हमें उसे क्यों देखना है, अभी थोड़ी नाम आया है, जब हम वो बताएंगे तब देखेंगे। छोड़ो इसको, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। पर हम आ चुके हैं हमारे शोरूम में और अब थोड़ी देर में दिखाती हूँ। बाकी हमने ये गाड़ी कैंटीन से ली है, पापा का कार्ड था तो हमारे पास वो एक प्लस पॉइंट था, उससे हमें थोड़ा बहुत और डिस्काउंट वगैरह जो भी हम चाहते थे वो मिल गया है, तो हमारा बेनिफिट। पापा है यार, पापा के राज में हम राज करते हैं। बहुत खुश है। यू फाइनली अब जिस दिन आएंगे। बोल रही हो क्या? बोल रही
मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता बट यार सीखेंगे। फाइनली इट्स द डे जब हम जा रहे हैं, ये है हम जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए गाइस। आज ही हमारी गाड़ी आ जाएगी, अब घर के अंदर आ जाएगी। एक महीने से भी ज्यादा लगे हैं इस गाड़ी को घर में लाने में, और आज का आउटफिट इसलिए थोड़ा स्पेशल भी मैंने ट्राई किया है बनने का। मैंने बहुत कुछ ऐसे बिल्कुल अपना सिंपल सोवर येट क्लासी रखने का ट्राई किया है, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी कूल लगना चाहती थी। वो क्यों वो मैं आपको बता दूंगी जब एंड में होगा। तो गाइस स्टे विथ मी, फाइनली हम जा रहे हैं। अभी हमें यहाँ से कुछ कुतो करके जाना पड़ेगा, कैब आज मेरा मन नहीं है, हम ना बाइक या स्कूटी से जा सकते हैं क्योंकि फिर हमें वहां से लाने के लिए भी कोई चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं एंड ये चलो। कैसा लग रहा है आपको, कुछ कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा है, आफ्टर सो मेनी इयर्स एंड सो मेनी स्ट्रगल्स वी आर गोइंग टू गेट इट। बस मैं अब बोलना नहीं चाहूंगी, वैसे भी आज इनका फास्ट है तो हमारी लक्ष्मी जी ही जा रही हैं। दूसरी लक्ष्मी ये भी है, इनफैक्ट पहली लक्ष्मी। नहीं जी, चल तू तो रहने दे भैया। भैया तू कुछ कहना चाहेगा? तीसरी लक्ष्मी, वी लिटरली डोंट केयर अबाउट दिस, बट ठीक है। पीछे तो मुड़ के देख लो, पीछे भी नहीं देख रहे मुड़ के। चलो कैसा लग रहा है, दिखाते थोड़ी है, सालों का सपना। ये क्या कैसा फील हो रहा है, कुछ कहना चाहेगा? चुप रहे यार। ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट तुम्हें, नहीं दिखाऊंगी अभी, अभी थोड़ी रिवील हो जाएगा। ऐसे कैसे गाइस, वेट करो। बस फर्स्ट टाइम गाड़ी को। कांग्रेचुलेशंस सर, कैसा लग रहा है मम्मी तुमको? अरे कुछ बोलो। अच्छा लग रहा है। तो मैं बताऊंगी। हेलो पापा। जय श्री राम। एक साथ रखना। हो गया? हाँ हो गया। ऐसे? हाँ हाँ दो। सीधा हो जाओ। सीधा ओके। ठीक है। जय हो। चलो। थैंक यू सो मच सर। This is what high expectation is all about. ये बॉस लेडी मैं तो चलो भाई।
बोलो एक ही बार निकलता है यही सब इम्पोर्टेंट टाइम पे नहीं बोलती है जब बोलना चाहिए तब मैं अरे हटो यार हट जाओ हमारी गाड़ी से हट जाओ भाभी यार नहीं आ रहा अरे बोलो ना यार भाभी जब हम जाते थे कहीं बाहर तब नई गाड़ी रिबन बांध के आ रही होती तो सोनाली बोलती थी भाभी हम कब लेंगे गाड़ी तो मैं बोलती थी कि हम भी जल्दी ही लेंगे तो लो आज आप अपनी गाड़ी में बैठ के जा रही हो और लोग देख रहे होंगे रिबन बांध के नई गाड़ी आ रही है क्या बोल रहे एक छोटी सी बच्ची का सपना पूरा हुआ जय माता रानी मालकिन जी कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा तो इसी तरह से आ गई हमारी गाड़ी पहली गाड़ी गाइस पहली गाड़ी बहुत खुशी हो रही है बहुत ज्यादा खुशी तो आई होप आप लोग भी मेरे साथ मेरी ये खुशी बांट पाए हो एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय